नमस्कार, मैं हूं दिनेश कुमार। आज हम हैं जैसलमेर महारावल चेतन्य राज सिंह के राज तिलक में। इसमें शाम का जो कार्यक्रम होने जा रहा है उसमें हमने भाग लिया है और अब हम आपको दिखाने वाले हैं शाम का जो कार्यक्रम है उसके बारे में। अब ये जो गाड़ियां आप देख रहे हो आ रही हैं यही है चेतन्य राज सिंह महारावल की गाड़ियाँ। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए वीडियो को अगर अच्छा लगे तो, और बने रहिए हमारे वीडियो के साथ। महाराज महारावल चेतन्य राज सिंह सबसे पहले गद्दी पर विराजमान होने से पहले अपने जो मंदिर है वासुदेव और अन्य जो मंदिर है उनमें जाएंगे, उनमें नमन करेंगे, प्रणाम करेंगे, फिर उसके बाद आशीर्वाद लेने के बाद अपने सिंहासन पर आएंगे और जो छोटे हैं उनको आशीर्वाद देंगे और जो बड़े हैं उनसे आशीर्वाद लेंगे और उसके बाद ये कार्यक्रम ख़त्म हो जाता है। तो आप इस कार्यक्रम का आनंद लीजिए, देखिए इस कार्यक्रम को कैसे होता है। अभी जो महारावल चैतन्य राज सिंह है वो मंदिर गए हुए हैं और उनकी जो रॉयल फैमिली आप देख रहे हो वो भी उनके पीछे पीछे मंदिर जा रही है और जो जाके आ चुके हैं वो यहीं पर आप देख सकते हो खड़े हैं जो रॉयल फैमिली के सदस्य है वो। यह फैमिली यदुवंशी है जो कि माना जाता है कि महाभारत के युद्ध के बाद यदुवंशी जैसलमेर में आकर बैठ गए थे। यहाँ जैसलमेर की उन्होंने स्थापना की है, महारावल जैसल ने यहाँ पर जैसलमेर की स्थापना की है। उनके ही यह कहे तो एक तरफ से उनकी ही पीढ़ी है जो अभी जो ये महारावल चैतन्य राज सिंह है वो 44वां राजा है, महारावल है चैतन्य राज सिंह जो अभी गद्दी पर विराज। इनका राज तिलक सुबह ही हो चुका है, अब ये लास्ट कार्यक्रम है शाम का जिसमें आप देख सकते हो किस तरह से हजारों लाखों की भीड़ उमड़ी है। और ये तो सिर्फ आपको कैमरे के आगे दिख रहा है पर कैमरे के पीछे जो है वो अभी तक आपको नहीं दिख रहा है। एकदम इस कैमरे के पीछे ही हजारों और लाखों की संख्या में भीड़ है, इससे ज़्यादा भीड़ तो सुबह के टाइम रंग दस्तूरी और जब तिलक राज तिलक हुआ था उस टाइम थी, पर उस टाइम सभी जो संत महात्मा थे वो अभी बिखर चुके हैं, अपने अपने मठाधीश जो है वो मठ जा चुके हैं। और अभी जो शाम का कार्यक्रम है वो सिर्फ अपने जो किले में है और वो जो जैसलमेर के लोग हैं स्टाई सिटी के जो लोग हैं उनसे ही मिलेंगे, उनसे जो बड़े लोग हैं उनसे आशीर्वाद, गुरु है उनसे आशीर्वाद और छोटों को आशीर्वाद देंगे। यहाँ पर सुगुन के लिए पैसे भी दिए जाते हैं, महाराज को सुगुन के लिए दिए जाते हैं वो, और वो भी कार्यक्रम आगे होने वाला है। तो देखते रहिए वीडियो को और आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कर सकते हैं आप। यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो लोग हैं सिर्फ महारावल चैतन्य राज सिंह को देखने के लिए ही यहाँ इतनी सारी भीड़ उमड़ी है। और ये सिर्फ मैंने आपको बार बार कह रहा हूँ कि ये सिर्फ आगे की भीड़ है, अभी पीछे की भीड़ आपने अभी तक नहीं देखी है। वो भी मेरा कैमरा जब पीछे की तरफ घूमेगा तब आप देखना किस तरह से भीड़ उमड़ी है। अगर हम जैसलमेर किले फोर्ट के बारे में बात करें तो कहा जाता है कि भारत के कुछ जीवित किलों में से यह एक फोर्ट है, किला है जो अभी तक जीवित है। जैसलमेर की जनसंख्या का एक चौथाई आबादी अभी तक इस किले में रहती है जो आप लोग देख रहे हैं, अभी तक भी इस किले में रहते हैं, इसीलिए इसे एक तरह जीवित किला भी कहा जाता है क्योंकि अभी भी इस किले में लोग रहते हैं। पर ज़्यादातर हिंदुस्तान के ऐसे किले हैं जो वीरान पड़े हैं उनमें कोई भी नहीं रहता है, पर यह एक किला है भारत में जीवित किला है जिसमें अभी तक भी लोग रहते हैं, उनका अपना घर है, अपना जो पहले राजाओं के सेनापति शासक जो मंत्री वगैरह होते थे उनकी पीढ़ियाँ भी अभी तक इस किले में रहती है। एक चौथाई आबादी जैसलमेर की जो है इस किले में अभी तक भी रहती है। जो आप अभी लोग देख रहे कैमरे में ये लोग, इन लोगों में से कोई लोग इन घरों में भी रहते हैं, इस किलों में रहते हैं। ये वही लोग हैं जो राजा के मंत्री सेनापति सेनाओं में या कहे तो जो उनके पंडित हुए होंगे पुरोहित हुए होंगे वही है जो लोग अभी भी इन किलों में रहते हैं। इस किले के बारे में कहें तो ये राजस्थान का दूसरा सबसे पुराना किला है। इसकी स्थापना 1156 में हुई थी, राजपूत रावल शासक जैसल ने बनाया था यह किला, जहां से इसका नाम मिलता है। और महत्वपूर्ण व्यापार मार्गों प्राचीन रेशम मार्ग सहित चौराहे पर खड़ा था यह किला।
जो यह किला है वह पुराने पुराने मार्ग जो मार्ग होते थे चीन और मिस्र और भी जो पाकिस्तान रास्ते हैं वहाँ पर ये खड़ा था। ये इस जगह इसीलिए महारावल ने बनाया था क्योंकि यहाँ पर टैक्स जो कर होता था उस समय, टैक्स लेने के लिए जो भी यहाँ से व्यापारी गुजरते थे उन व्यापारियों पर ये जो रावल थे महारावल जैसल ये अपना कर लगाते थे। टैक्स जो होता है अभी हम कहते हैं टैक्स, उस टाइम में ये अपना कर लगाते थे और उसी वजह से ये किला इस जगह पर था। और यहाँ पर बहुत सारे हवेलियाँ भी, जैसे आपने अगर जैसलमेर आए हो या आप जैसलमेर को हो तो आपको पता ही होगा हवेली भी, हवेलियाँ भी है, पटवा हवेली और भी यहाँ पर शासक की हवेलियाँ है, वो इसीलिए बनाई गई थी क्योंकि जो भी व्यापारी यहाँ से गुजरे उन पर टैक्स या कर लगाया जा सके और कर से ही यह किला चलता था और यहाँ के शासक और वे लोग हैं वो कर के ऊपर ही रहते थे निर्भर। इस किले के फोर्ट के बारे में एक और महत्वपूर्ण बात आपको बता दूं, किले की विशाल पीली बालुआ पत्थर की दीवारें दिन के दौरान एक शेर का रंग है जो सूर्य के रूप में सहज सोने के लिए लुप्त हो जाती है जिससे पीले रेगिस्तान में किले को नष्ट कर दिया जाता है। इस कारण से सोनार किले का स्वर्ण किले के रूप में भी जाना जाता है, स्वर्ण यानी सोना, गोल्ड सिटी, निकनेम जैसलमेर का द गोल्ड सिटी ही है। तो जैसलमेर 2013 में नोम पेन्हा काबूरिया जैसलमेर किले में आयोजित विश्व धरोहर सम्मानित के 37वें सत्र में राजस्थान के 5 अन्य किलों के साथ राजस्थान के पहाड़ी पर्वतों के तहत एक यूनर को विश्व धरोहर स्थल भी घोषित किया गया है। अलाउद्दीन खिलजी की सेना ने भी इस किले पर आक्रमण किया था। लगभग 1293 से 94 ईस्वी के आसपास रावल जेठसी ने दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी द्वारा 8 से 9 साल घेराबंदी किया हुआ था, फिर जिसके बारे में कहा जाता है कि उनके खजाने का करारा पर एक भाटी छापा था। घेराबंदी के बाद अंत तक कुछ हार का सामना करते हुए भाटी राजपूत महिलाओं ने जौहर किया और पुरुष योद्धाओं ने सुल्तान की सेनाओं के साथ युद्ध में अपना घातक अंत का सामना किया। यह भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण कथा है, कहानी है, ये सच्चाई है इस किले के बारे में और इन रावल जेठसी राजा के बारे में जो कि आप ये देख रहे हो इसी किले के बारे में, जैसलमेर के रावल जेठसी 1293 से 94 ईसा पूर्व के पास अलाउद्दीन खिलजी का 8 से 9 साल घेराबंद रहा था, फिर उनका खजाना ख़त्म होने पर उन्होंने आक्रमण कर दिया था। जेठसी ने उन सेनाओं पर कुछ तो हार के वापस चले गए थे और उनकी महिलाओं ने जौहर कर दिया था। आज के समय में भले ही जैसलमेर एक महत्वपूर्ण व्यापारी शहर या प्रमुख सैन्य पद के रूप में कार्य नहीं करता है, फिर भी यहाँ पर प्रमुख पर्यटक स्थल के रूप में राजस्व अर्जित करने में सक्षम है। प्रारंभ में जैसलमेर की पूरी आबादी जैसलमेर किले में ही रहती थी, पर अभी लगभग 4000 लोग अभी भी इस किले में निवास करते हैं। ज़्यादातर ब्राह्मण और राजपूत इस किले में निवास करते हैं क्योंकि उस समय में जो ब्राह्मण और राजपूतों ने इस किले में अपना श्रमदान या काम या कार्यबल जो किया है उसी हिसाब से अब वो अभी भी इस किले में निवास करते हैं। राजाओं के टाइम में तो जो ब्राह्मण और राजपूत उनके कार्य में कार्य करते थे, उनके जो भी सेनापति जो भी हो वो उनके कार्य करते थे सेना को संभालने के, या ब्राह्मण जो होते थे वो पूजा पाठ में भी उनके जो कार्य होते थे वो करते थे, वो अभी भी इस किले में रहते हैं और ज़्यादातर आबादी किले के भीतर रहती है। लगभग 4000 लोग किले के अंदर रहते हैं और आबादी ज़्यादा होने के कारण वह लोग धीरे धीरे जो किले के भीतरी दीवारों के हील पर या जो दीवार के पास में रहते थे किले के, वो धीरे धीरे नीचे घाटी में चले गए और वहाँ पर ही बसने लगे। और आज के टाइम में जो किले के आसपास जो घर बने हुए हैं वो उसी समय में
किले से नीचे चले गए। घाटी उस टाइम हुआ करती थी, पर अब पूरा शहर बन चुका है और वहाँ पर ही रहते थे। यही है महारावल चेतनी राज सिंह जो अभी गद्दी पर विराज है। जैसलमेर के किंग ऑफ जैसलमेर महारावल चेतनी राज सिंह 44वें राजा है जैसलमेर के अब तक के, और ये अब अपना आसन सिंहासन ग्रहण करने जा रहे हैं। ये रास्ता है सिंहासन तक जाने का राजा के लिए, और ये आप जो सिंहासन के नीचे देख रहे हैं लोग बैठे हैं, वो वहाँ पर उनके मंत्री उस समय में और सेनापति और जो भी गुरु और ब्राह्मण होते थे उस समय में, वो यहाँ पर बैठा करते थे। और अभी भी वही उनके जो पूर्वज है पीढ़ी दर पीढ़ी, वही अभी भी इन जगह पर बैठे हैं। आप देख सकते हो जैसे ही महारावल चेतनी राज सिंह आए, सभी एकदम से खड़े हो गए। और यहाँ पर ऐसा नहीं लग रहा है कि लोग खड़े हैं, पर ये जगह ऐसी ही बनाई गई है जिससे नहीं लग रहा है कि लोग खड़े हैं। ये चिड़ी नुमा आकृति से बनाई गई जगह है बैठने के लिए, जो कि बड़ी बड़ी चिड़िया है ये चढ़ नहीं सकते इनके ऊपर आसानी से, ये बैठने के लिए बनाई गई है। और जैसे ही महाराज आए सभी खड़े हो गए और वापिस बैठ गए, महाराज का महारावल का आदर सम्मान किया फिर बैठ गए। और उत्तरी साइड में जो आप जगह देख रहे हो, वह महारानी और राजमाता और जो राजघराने की लेडीज़ होती है उनके लिए बैठने के लिए जगह बनाई गई है। रेड कारपेट आप लेफ्ट साइड में देख सकते हो, और राजघराने की महिलाएं जो है वो आ रही है और यहाँ पर उनके लिए जगह है बैठने के लिए, और वो अपना आसन ग्रहण कर रही है आप देख सकते हो। और ये महारावल है जैसलमेर के चैतन्य राज सिंह, इनका यह शाम का कार्यक्रम है। एंजॉय कीजिए आप भी वीडियो को देख रहे हो तो, और अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। अब जो टाइम शुरू हो रहा है सभी अपने अपना सुगुन देंगे, महाराज महारावल चैतन्य राज सिंह को सुगुन देंगे और उनसे आशीर्वाद लेंगे। अब जो आप टाइम देख रहे हो ये समय है सुगुन देने का, और कुछ ही देर में फूल वर्षा शुरू होगी जिसमें फूल वर्षा में गुलाब के फूल महाराज पर डाले जाएंगे, उनका स्वागत किया जाएगा। सिंहासन पर विराज हुए हैं तो उनका स्वागत किया जाएगा। और बीच में जो गली बनाई जा रही है ये लोगों के आने जाने के लिए है, महाराज को सुगुन दिया जाए और उनसे आशीर्वाद लिया जाए। Thank you.
Stranded in the open, try.